नमस्कार किसान भाइयों, किसान खेती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है किसान भाइयों, उसके लिए धन्यवाद। किसान भाइयों, आज की जानकारी भी आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। वीडियो को पूरी देखना किसान भाइयों, सभी जरूरी बातें आपको समझाएंगे। तो किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करता है कि जो किसान भाइयों, बरसात हुई है ये कुछ एक एरिए में ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है और कुछ एरिए में कम हुई है, लेकिन किसान भाइयों लगभग सभी इलाके में बहुत ही ज़्यादा बरसात हो चुकी है। और ये देखिए किसान भाइयों, हमारी गेहूं में भी पानी बहुत भर चुका है। तो किसान भाइयों, ये पानी वैसे तो हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा होगा किसान भाइयों, गेहूं की हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन वह किसान भाइयों अब हमने क्या करना है। किसान भाइयों, जैसे ही हमारा मौसम खुलता है आजकल में, हमने एक एक बैग यूरिया का डाल देना है किसान भाइयों, और हमारी ये ज़मीन पानी सोख लेगी। और दूसरा किसान भाइयों, अगर किसी के पास निकासी का प्रबंध है तो पानी का आप निकासी कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, कई जगह ज़मीनें ऐसी होंगी जो पानी नहीं पीती है, वो पानी उनमें अब्सॉर्ब नहीं करती है। तो किसान भाइयों, वहाँ पर आपको क्या करना है, आप सल्फ़र लेना, सल्फ़र बेंटोनाइट भी ले सकते हैं आप। और किसान भाइयों, सल्फ़र आप 80 WGR वाली भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप सल्फ़र का इसमें और एक बैग यूरिया का प्रयोग कर लें तो किसान भाइयों, आपकी गेहूं सारा पानी सोख लेगी। और कई किसान भाइयों का ऐसा हुआ कि जिन्होंने सिंचाई की थी और अब 2 दिन बाद बरसात हो गई है तो उनका पानी डबल हो गया। किसान भाइयों, अगर आपकी ज़मीन पानी सोखती है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसान भाइयों, आप एक बैग यूरिया और आप इसमें 5 किलो बेंटोनाइट सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, सल्फ़र ज़मीन का हमारी मुँह खोल देगी और हमारी ज़मीन पानी पिएगी। और वैसे भी किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग तो आपने करना ही है सिंचाई के बाद। और किसान भाइयों, हमारी गेहूँ बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी, जैसे किसान भाइयों की शिकायत आती है कि बारिश के बाद गेहूँ पीली पड़ जाती है। किसान भाइयों, गेहूँ बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ इसमें एक बैग यूरिया का भी प्रयोग कर देना है एक हफ्ते तक। जैसे ही गेहूँ 3-4 दिन में पानी पी लेगी, उसके बाद बिल्कुल हरी भरी गेहूँ हमारी चमकेगी। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी छोटी सी थी, आप यूरिया का प्रयोग कर लें, हम भी कल इसमें यूरिया का प्रयोग अपना करेंगे। और किसान भाइयों, ये वाली ज़मीन तो हमारी पानी ले जाएगी, लेकिन इधर वाली ज़मीन हमारी पानी नहीं लेगी, इसमें हम सल्फ़र का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अब किसान भाइयों, आप सोचेंगे कि ये ज़मीन पानी क्यों नहीं लेगी, तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूँ कि ये हमने धान कटाई के अवशेषों में ही इसकी बिजाई की हुई है इस खेत की, इसलिए यह पानी नहीं पिएगी। और जिन किसानों ने बुआई करके खेत को अच्छी तरह से तैयार करके बिजाई की थी, उनकी ज़मीन पानी अब्सॉर्ब कर लेगी। तो किसान भाइयों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।